कि ऐ काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते, और मैं फिर कहता हूँ कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूँ, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ, तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन। और उन लोगों की नमाज खाने काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। और जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का हरगिज हुक्म नहीं देता, भला तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात क्यों कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी ही मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाक़े कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते बल्कि खुद उनको और बनाते हैं, वो लाशें हैं बेजान, उनको ये भी तो मालूम नहीं कि उठाए कब जाएं। तुम्हारा माबूद तो अकेला अल्लाह है, तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, और जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या इल्म अंबिया में से कुछ मनकूल चला आता हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे।